बसपा पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शमसुद्दीन राय ने सहारनपुर नगर निगम प्रत्याशी को नाम की घोषणा की है। पूरे यूपी में 17 नगर निगम 200 नगर पालिका है। सहारनपुर नगर निगम के उम्मीदवार के रूप में साइमा मसूद को चुनावी मैदान में बसपा ने उतारा है। अभी तक पहला उम्मीदवार सहारनपुर से ही घोषित किया गया है। शमसुद्दीन राय ने कहा कि इमरान मसूद का साथ मिलने के बाद बसपा की और उम्मीदें बढ़ी हैं और इस बार निश्चित रूप से कई नगर निगम और नगर पालिका पर बसपा का परचम लहराएगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी यहाँ साइमा मसूद को अपना प्रत्याशी बनाने के लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का हम संदेश लेकर आए हैं। यहाँ संदेश आपको सुनाने का हमने काम किया कि आने वाला जो चुनाव होगा वो यहाँ से साइमा मसूद ही चुनाव लड़ेंगे, यही संदेश लेकर आए हैं और वो आपको सुनाने का काम किया। इंसान सही दिशा जब चलता है तो कामयाबी उसके पास ऑटोमेटिक चल कर आती है। अब दिशा भी इमरान भाई की सही है और हम लोगों की भी दिशा सही है। जब दो दिशा सही चलती हैं तो कामयाबी ऑटोमेटिक मिल जाती है। मतलब बसपा जो तीसरा चौथा नंबर यहाँ जब चुनाव लड़े थे तो मजबूती के साथ चुनाव लड़े। बहुजन समाज पार्टी कहीं भी कमज़ोर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ, और अब हमारे साथ और ताकत है, भाई इमरान साहब आए हैंगे तो आप जानते ही हैं। सहारनपुर में मंगलवार सुबह पाला और घना कोहरे के साथ चली ठंडी हवा में लोग काम उठे। सर्दी बढ़ने से लोग दिन भर थिथुरते रहे। घना कोहरा होने के कारण दिन में हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए। सर्दी से बचाव के लिए सुबह के समय नगर में मुख्य स्थानों और चौराहों पर अलाव जलाए गए, फिर भी लोगों को राहत नहीं मिली। सर्दी अधिक होने के कारण नगर के मुख्य मार्गों और बाजारों में लोगों की आवाजाही काफी कम रही। दोपहर में हल्की धूप निकलने पर लोगों ने कुछ राहत सी महसूस हुई और बाजारों और मार्गों पर लोगों की आवाजाही बढ़ी। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी धुंध की चपेट में हैं और सूरज भी अपने आप को कोहरे से बाहर नहीं निकाल पा रहा है, अपने आगोश में ले लिया है कोहरे ने। ये पहला कोहरा है, पहला इस सर्दी का, जो बहुत ही दिलकश लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो। और सहारनपुर में 2014 में हुए दंगे के मुकदमों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुरप्रीत सिंह बग्गा ने मुलाकात की, जिसमें मुख्यमंत्री ने उन्हें जल्द ही मुकदमे खत्म करने का आश्वासन देते हुए सहमति जताई, जिसको बाद सोमवार की देर शाम सहारनपुर वापस पहुंचे गुरुप्रीत सिंह बग्गा का मुस्लिम समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर गुरुप्रीत सिंह बग्गा ने सभी मुस्लिम समाज के लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि मुकदमे वापस होते ही गुरुद्वारे का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि फैसले के अंदर ये था कि जो मुकदमे अभी हैं जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे तब तक जो है निर्माण जो है जो कागज वागज कार्रवाई जो है वो अभी पेंडिंग रहेगी, तो चार मुकदमे आपसी जो मुकदमे थे वो मैक्सिमम ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ गवाहियों पे चलने दो चार वो हट जाएंगे जल्दी से ही। चार मुकदमे सरकारी जो थे वो पेंडिंग थे, जिसके अंदर पिछले दिनों ही माननीय डीएम साहब ने भी एक पत्र जो है शासन को लिखा था और परसों हम लोग एक डेलीगेशन एसजीपीसी के नेतृत्व में और अकाली दल के नेतृत्व में हम लोग मिले थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन किया कि भाई हम लोग जो जितने भी मुकदमे, क्योंकि कमिटमेंट यहाँ से अधिकारियों का था तो उसको मानते हुए उन्होंने मुकदमे ख़त्म कराने के लिए प्रक्रिया को स्टार्ट भी कर दिया है। जल्दी ही चार मुकदमे हमारे पेंडिंग हैं, चार मुकदमे ख़त्म होते ही यहाँ गुरुद्वारे का निर्माण शुरू होगा। जो भाईचारा आपस में लोगों ने मुस्लिम समाज के अपने जितने भी साथी हैं, जितने मेरे मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस मतलब संजीदगी के साथ इस मसले को गंभीरता से लेते हुए इसको निस्तारण कराने के लिए हम लोगों का सहयोग करने का काम किया। मैं पत्रकार बंधुओं, अधिकारियों का जिन्होंने पॉजिटिव वे में इसको निस्तारण कराने में सहयोग किया, उनका, सरकार का, सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सहारनपुर में नगर निगम में मंगलवार को नाली, सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट लगवाने व पानी निकासी सहित कुल 16 शिकायतों की सुनवाई की गई।
दो शिकायतों का तुरंत निपटारा किया गया। वार्ड 39 के पार्षद प्रदीप भी तीन शिकायतें लेकर जनसुनवाई में पहुंचे। उनकी एक शिकायत का निपटारा किया गया। नगर निगम में नगरायुक्त गजल भारद्वाज व अन्य अधिकारियों ने शिकायतों की जनसुनवाई की।